जी व्यूअर्स, तो ये दो मोर के अंडे अभी ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड एनिमल केयर। और एक न्यू जबरदस्त वीडियो के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जंगल का माहौल है, ठीक है। और यहाँ पे मोरनी अंडों में बैठ गई है, ठीक है। हमने पहले तीन अंडे यहाँ से इसके उठाए थे। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये सारा आस पास ना जंगल ही है, ठीक है। फार्म के आस पास मेरा जो बर्ड फार्म यहाँ पे है, साथ में वेजिटेबल्स और फार्मिंग और सारा कुछ है, तो बिल्कुल ये ना हमारे फार्म की बाड़ के रेंज से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अंडे दिए हैं, मुझे नहीं पता कितने अंडों पे है। ढूंढते ढूंढते पहले भी ये तीन अंडों पे यहाँ पे थी और आज भी अभी ये अंडों में बैठी हुई है। ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि जंगली कुत्ते गिदड़ वगैरह तो आम ताम है। अब हमने यहाँ से इसको उठाना है और नीचे से अंडे लेके तो मुर्गियों के नीचे रखने हैं, ठीक है। तो ये है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब मैं आगे होता हूँ और टीज़ करने वाली बात तो नहीं है, मगर ये है कि इसको मैं यहाँ से ना उठाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखें उठ भी नहीं रही है, इसका मतलब ये फुल टाइम कुड़क हो चुकी है, ठीक है। बाकी अंडे तो उठा लिए थे, एक अंडा दो अंडे यहाँ पे हैं, मतलब इसने कल परसों जब भी दिए हैं। तो मैं ये अंडे उठा लूँगा यहाँ से क्योंकि ये जगह ख़तरे से खाली नहीं है। ये देखें छोटा सा इसने चोगला बनाया हुआ और यहाँ पर इसने ये अंडे दे रखे हैं, ठीक है। तीन पहले उठाए थे, दो आज, तो मैं इनको पाँच अंडे मुर्गी के नीचे रखता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये मुर्गी, इसको मैं यहाँ से उठा के तो ये अंडे यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ये मैंने अंडे ले लिए, अंडे का साइज़ चक्कर है माशाल्लाह से। अब तक ये जो है ना मोरनी सीज़न में 24 से 25 अंडे दे चुकी है, ठीक है। बच्चे भी आपके से मैं शेयर कर चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ, मज़ीद मुर्गियाँ भी अंडों पर बैठी हुई हैं। तो इंशाल्लाह इस बार लगता है अपना फार्म ही बनेगा मोर का, ठीक है। जितने अंडे और माशाल्लाह से बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या बनता है, आइए हम अपनी मज़ीद वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मोरनी आपके सामने यहाँ से जा नहीं रही है और यहाँ बिल्कुल जंगल के एनवायरनमेंट में ये अंडों पे बैठी हुई थी। तो लेट्स सी क्या बनता है, देखते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब इसको मैं यहाँ से ले जाता हूँ, भूखी है, सारा दिन से इधर बैठी हुई है। तो चलिए हम अपनी मज़ीद वीडियो की तरफ चलते हैं। जी वरिजी, आपके सामने पहले आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, मोरनी ने जहाँ अंडे दिए। अब ये है कि मोर के बच्चा अंडे से निकल रहा है, ठीक है। ये आपके सामने मैं इसका छिलका उठा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़बरदस्त है, मैं आपको उठा के भी दिखा देता हूँ। वाओ, ज़बरदस्त, ये आपके सामने भाई मोर का बच्चा निकल आया है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट मुकम्मल। और साथ में चार अंडे और भी हैं, आज 24 दिन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है और भी बच्चे ज़रूर निकलेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल फ्रेश, एक्टिव और ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। 24 दिन आज हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह 25-26 दिन में बाकी भी क्लियर हो जाएंगे। वाओ जी व्यूअर्स, मैंने जैसे आपको बताया था मोरनी ने बैर अंडे दिए हुए थे, ठीक है। फिर हमने इसको उठा के मुख्तलिफ मुर्गियों के नीचे रखे, तो हमारे माशाल्लाह से 8 से 9 बच्चे निकले हैं मोर के। ये आपके सामने ये वाइट वाली, और मैं आपको फिर ब्लैक वाली के नीचे भी 5 बच्चे हैं वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये 5 बच्चे हैं और माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त एक्टिव, और इसी एज में भी ये तकरीबन 4 से 5 दिन के हैं, अभी भी मस्ती करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक व्यू पेश करते हैं, जैसे बड़े वाले मोर ना पेश करते हैं। तो इस बार हमारा जो मोर का रिज़ल्ट है, 3 साल वेट तो किया मगर VIP, तो ये था, मैंने कहा आपसे शेयर कर दो। जी व्यूअर्स, तो ये दो मोर के अंडे अभी ये मुर्गी के नीचे मैंने उठाए हैं, ये बच्चे निकलने का प्रोसेस जारी हो सारी है। आपको आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी इनकी आ रही होगी, तो ये अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक फाइनल हो जाएंगे, फिर मैं आपको साथ वो भी शेयर करूँगा। 9 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पहले निकले हुए हैं मुर्गियों के साथ, और ये इसका एक बच्चा परसों निकला था, वो हमने एक और मुर्गी के साथ उसको हमने छोड़ दिया। ये देखिए आपके सामने इसको ये इन्वायरमेंट दिया हुआ, इधर पानी दाना सारा अंदर, और एक बार निकालते हैं ताकि अंडों के ऊपर बीट ना करे, ठीक है। ये आपके सामने दोनों एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो थोड़ा सा नमी की वजह से मैं इसको पानी लगाऊंगा ताकि इसकी नमी की कमी ना हो, और आवाज़ ये हल्की सी आवाज़ निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा मज़ीद टाइम गुजरेगा तो ये निकल आएंगे। तो ये आपके सामने गर्मियाँ शदीद हैं, मुर्गी की हालत देखें, हालांकि हवादार खुली जगह है मगर फिर भी ऐसे है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, तो ये भी इस साल के इंशाल्लाह 11 बच्चे हमारे हो जाएंगे। तो मैं इनको आपके सामने इसके नीचे रखता हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यही थी आपकी वीडियो टोटली और कम्प्लीटली मोज के ऊपर, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।